Let's recording start and then we will proceed further. Let me tell you, this area and volume is completely based on formulas. Yes, recording has started. Oh, great. Let me clear the screen. Yes. Is it the screen visible, students? Kindly reply yes if you can see the screen. Is it screen visible? Okay. Thank you. Kindly reply when I ask question to anyone. Please reply if you can see the screen. Yes, thank you for reply. Put heading area and volume. Okay, area and volume. Area is nothing but what? Area jo figure hota hai, which is nothing but what? 2D. Please remember. और वॉल्यूम होता है स्टूडेंट 3D. ये हमेशा ध्यान में रख लीजिए. एरिया व्हिच इज बेस्ड ऑन व्हाट? 2D इफेक्ट. एंड वॉल्यूम इज नथिंग बट बेस्ड ऑन व्हाट? 3D इफेक्ट. ओके, वॉल्यूम से जैसे क्यूब होता है, स्क्वायर का ही दूसरा फॉर्म क्या होगा? क्यूब. रेक्टेंगल का दूसरा स्क्वायर का 3D फॉर्म क्या होगा? क्यूब. रेक्टेंगल का 3D फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट्स? क्यूबॉइड होगा. रिमेंबर, सो ये क्यूब, क्यूबॉइड या सर्कल का, लेट मी जॉइंट हु इज कमिंग. Yes. स्पीयर का, सर्कल का 3D फॉर्म क्या होगा? स्पीयर. सो व्हाट डू यू मीन बाय 3D फॉर्म? 3D फॉर्म इज नथिंग बट व्हाट? व्हिच इज नॉट हॉलो फ्रॉम इनसाइड. हॉलो मींस क्या होता है स्टूडेंट्स? कि वो अंदर से खाली नहीं रहेगा. आप लोगों ने देखा रहेगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉल्स. वन जो नॉर्मल बॉल होता है, जिसको हम लोग टेनिस बॉल कहते हैं, राइट? सो इफ यू कट दैट टेनिस बॉल, अगर आप कट करते हो बीच में से एंड आप देखोगे तो दैट विल बी हॉलो फ्रॉम इनसाइड, अंदर से वो खाली रहेगा. यस, सी लेट मी एक्सप्लेन अगेन. सी, एज आई सेड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉल्स. वी हैव वन, वी हैव अ टेनिस बॉल एंड वन वी हैव अ व्हाट? सीजन बॉल. टेनिस बॉल में क्या होता है, व्हेन यू कट इट, सो व्हाट विल फाइंड, इट इज व्हाट? हॉलो फ्रॉम इनसाइड. हॉलो मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? वो खाली होता है. ओके, दैट इज कॉल्ड 2D. बट व्हेन इट कम्स टू 3D, ओके, व्हेन इट कम्स टू 3D, सो अगर आप सीजन बॉल जो होता है, जो नॉर्मली मैच में खेलते हैं क्रिकेट में, लाइक इंडिया अभी श्रीलंका का मैच चल रहा है, तो वो जो अगर बॉल आप ले लोगे एंड अगर आप उसको कट करोगे, सो दैट बॉल विल बी व्हाट? अंदर से भरा रहेगा, जिसको हम लोग कहते हैं सॉलिड. ओके, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? नथिंग बट व्हाट? 3D. इज दिस क्लियर एवरीवन? So we'll see one by one formulas, because ये सारा, see, formulas आपको याद रखने पड़ेंगे, but there are different ways to remember. आप जैसे जैसे इसको प्रैक्टिस करते जाओगे वो आपको याद आते रहेगा, but you have to do a lot of practice on this. This topic is what I could say IMP है. ये time consuming भी है, because इसमें formulas अगर आपके याद रहेंगे, अगर आपका table काफी अच्छा याद है, so definitely आप इसको आराम से कर पाओगे. There will be one or two questions from this topic, I must say. And because आपका प्री में मैथ्स का पेपर 25 questions का रहेगा, जिसमें एक क्वेश्चन को डबल मार्क है, मतलब 25 questions है, मतलब obviously if there are 25 chapters, so obviously one question from each chapter. If so we may say कि कुछ कुछ चैप्टर में से दो दो क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, तो इसीलिए SSC में कैसा है कि we cannot keep anything for optional. आपको सारी चीजें करनी ही पड़ेगी. यस,
Now, area and volume, let us see. Suppose ये मैंने लिख दिया स्क्वायर और ये मैंने उसका 3D फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट्स, क्यूब हो गया, ये हो गया क्यूब। स्क्वायर कैसे होता है, ये हो गया स्क्वायर स्टूडेंट्स, और क्यूब कैसे रहेगा, सेम रहेगा क्यूब, ओनली यहां पर क्या रहेगा स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया क्यूब। Is this clear, everyone? Yes, very good, very great, great. अब देख लीजिए स्टूडेंट स्क्वायर में कैसे होता है। सपोज अगर मैंने ये वाले साइड को ए पकड़ लिया तो ये भी साइड ए होगा, ये भी साइड ए होगा, और ये भी साइड कितना हो जाएगा, ए हो गया। क्लियर एवरीवन? तो हाउ मेनी साइड स्क्वायर हैज, एग्जैक्टली, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वन मिनट स्टूडेंट्स। So, यहां पर स्टूडेंट्स आप देख लीजिए टोटल कितने साइड है, वी हैव हियर फोर साइड राइट, जिसको हम लोग एज भी कहते हैं, एज, प्लीज रिमेंबर दिस। तो यहां पर कितने एजेस स्टूडेंट्स, यहां पर कितने एजेस हो सकते हैं, हाउ मेनी, तो नहीं, यहां पर टोटल कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, यहां पर टोटल हो जाएंगे 12 एजेस, प्लीज रिमेंबर दिस। सी जितिशा और उन्होंने जो आंसर दिया वो, जितिशा आप लोगों ने जो आंसर दिया वो, देयर आर सिक्स सरफेसेस, एजेस मतलब ये होता है ये साइड्स वाला। क्लियर एवरीवन? तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर किसको पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया क्या होगा स्टूडेंट्स, साइड स्क्वायर, लाइक ए इंटू ए, विच इज कॉल्ड व्हाट, ए स्क्वायर, इसी को दूसरा नाम क्या है, साइड का स्क्वायर। यस जितेश, वेरी गुड, साइड स्क्वायर। सो नाउ साइड वी हैव कंसीडर हियर ए, सो ए इज व्हाट, ए इंटू ए विल बिकम व्हाट, एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो यहां पर एरिया क्या होगा, सो यहां पर टोटल क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, व्हेन इट कम्स टू क्यूब 3D इफेक्ट हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। नाउ स्टूडेंट्स यहां पर देख लीजिए, टू फाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर, देखो हाउ टू रिमेंबर, नाउ पे अटेंशन, टू फाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर, यहां पर कितना फेस है, हाउ मेनी सरफेस वी हैव हियर, ओनली वन सरफेस राइट, यहां पर कितने स्क्वायर है, कितने सरफेस है मुझे बताइए, यहाँ पर ये डायग्राम में कितने सरफेस है, एग्जैक्टली जितिशा ने बोला कि देर आर सिक्स सरफेसेस, वेरी गुड। तो आप देख लीजिए अगर टू फाइंड एरिया ऑफ द वन सरफेस, अपना फॉर्मूला है ए स्क्वायर, तो सिक्स के लिए क्या होगा, सिक्स इंटू ए स्क्वायर, क्लियर एवरीवन दिस, बिकॉज यहां पर हमें टोटल का निकालना है, देर आर टोटल सिक्स सरफेसेस, सिक्स इंटू ए स्क्वायर, बिकॉज वन सरफेस का अगर एरिया ए स्क्वायर है तो सिक्स का कितना होगा, सीधा मल्टीप्लाई पे सिक्स कर दो, yes, then LSA, write down what is LSA, LSA means students, ये होता है
लैटरल सरफेस एरिया, व्हाट इज एल एस ए, लैटरल सरफेस एरिया। तो आप जब भी क्यूब या क्यूबॉइड का अगर आप लैटरल सरफेस एरिया निकालते हो तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, यू हैव टू टॉप एंड बॉटम को कंसिडर नहीं करना है। इफ दिस क्लियर एवरीवन स्टूडेंट्स, मैं क्या कह रहा हूं, वेन एवर यू फाइंड लैटरल सरफेस एरिया और वी कैन से कर्व सरफेस एरिया ऑफ एनी ऑफ द क्यूब, एनी ऑफ द सॉलिड, सो आपको टॉप एंड बॉटम को कंसिडर नहीं करना है। सो नाउ सपोज व्हेन इट कम्स टू क्यूब देर आर सिक्स सरफेस एरिया, आपने सपोज अगर टॉप एंड बॉटम को नहीं कंसिडर किया तो कितने सरफेस एरिया बचेंगे स्टूडेंट? एग्जैक्टली योगेश, तो एक सरफेस एरिया का आपको एक पता है फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर है, और जैसे योगेश ने कहा कि सर चार बचेंगे तो मल्टीप्लाई बाय चार कर दो तो ये हो गया 4a square। क्लियर एवरीवन दिस? तो इफ दिस द वे यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूलेस। यस ग्रेट, देन वॉल्यूम क्या होगा, व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स व्हाट, सभी को बताए। सपोज अगर ये मेरा ए है, ये भी मेरा ए है, दिस इज, और ये भी आपका अगर ए ही है, ये ए है, तो क्या फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, a इंटू ए विच इज नथिंग बट ए क्यूब। यस ए क्यूब, ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आप लोगों को? नाउ पे अटेंशन स्टूडेंट, सपोज ये आपका स्क्वायर है, यहां पर आप थोड़ा एरिया पे आते, ये आपका स्क्वायर है, स्क्वायर का आपको बताया कि सारे एंगल्स कैसे रहेंगे, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल, तो सारे एंगल्स कैसे रहेंगे 90 डिग्री। क्लियर एवरीवन? तो सपोज अगर ये मेरा ए, ये मेरा बी, ये मेरा सी और ये मेरा डी है, और मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ कर ली है, क्लियर एवरीवन, तो और ये एक्चुअली क्या हो गया, व्हाट इज ए सी, ए सी इज नथिंग बट व्हाट, द साइड विच इज अपोजिट टू 90 डिग्री, हम लोग उसे क्या कहते हैं, डायगोनल। इज दिस क्लियर और नॉट? AC is nothing but what? The side which is opposite to what? 90 degree called what? Diagonal. तो हमें suppose यहाँ पर students AC find करना है और मेरे पास AB पता है, A है, तो BC भी A होगा, the reason is that, और DC भी A होगा और AD भी A, because all sides are equal. तो so let us consider in triangle ABC, in triangle ABC angle B which is what, 90 degree. Clear everyone? Angle B which is what, 90 degree. So which theorem you'll apply? Pythagoras theorem. What Pythagoras says? AC ka square which is equal to AB square plus BC square. Clear or not? So what is AC? AC square is nothing but what, AC ki jagah mein likh deta hu diagonal D square. Isko mein D pakad leta hu. So ye ho gaya diagonal square. Which is equal to what is AB? A square. What is BC? Again A square. So finally milega students 2A square. So what is finally D? D is equal to root 2A. Ye aapka final formula ho gaya students. Please remember, agar aap logo ko ye pucha jata hai ki aapko square ke do sides diye hua hai aur aapko diagonal nikalna hai. So how you will find out diagonal which is equal to root 2A. And what is A? A is nothing but side of the square.
क्लियर आप लोगों ने लिख लिया है ऐसे? ओके डन, थैंक यू सो मच। चलो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल। और उसका 3D फॉर्म क्या होगा? क्यूबॉइड। प्लीज रिमेंबर दिस। अब रेक्टेंगल का पहले शेप देख लीजिए, ऐसा होता है, जो बड़ी है जिसको हम लेंथ पकड़ेंगे, छोटा है उसको हम लोग ब्रेथ पकड़ेंगे। क्लियर एवरीवन? तो क्यूबॉइड का कैसे बनेगा वो भी देख लीजिए। इज दिस क्लियर एवरीवन? क्यूबॉइड यस। सो रेक्टेंगल इज व्हाट? तो देखो पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, दोनों का मल्टीप्लाई। बिकॉज यहां पर देखो सामने भी ये लेंथ होगा, और ये मतलब यहां पर रेक्टेंगल में कैसे होता है स्टूडेंट्स, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जैसे स्क्वायर में कैसा था, ऑल साइड्स आर इक्वल, बट व्हेन इट कम्स टू रेक्टेंगल वेयर यू विल फाइंड ऑल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो लेंथ, ओके स्क्वायर में हमने एक चीज मिस कर दी, प्लीज वो लिख लीजिए, आपको भूल गया बोलने। स्क्वायर में देखो कैसे होता है, जैसे आपका ये स्क्वायर है, आपके चारों साइड्स इक्वल है, यस और नो? तो स्क्वायर में अगर आपको इफ दे आस्क फाइंड आउट पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब स्टूडेंट्स एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए, व्हाट डू मीन बाय पेरीमीटर? पेरीमीटर इज नथिंग बट व्हाट? सम ऑफ ऑल साइड्स। सो हाउ मेनी साइड स्क्वायर हैव? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू स्क्वायर हैज फोर साइड्स। सो फोर मतलब ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, which is going to be a 4a. Write down this. So this is nothing but what? Perimeter of square. It means what? Addition of all sides. और उसी को हम लोग कहते हैं perimeter. Perimeter का मतलब students क्या हो गया? सारे sides का addition करना है. बस इतना ध्यान में रख लीजिए. Yes, clear this. Thank you. Okay. अब एरिया हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा स्टूडेंट्स? लेट राइट डाउन टोटल सरफेस एरिया। देखो अब स्टूडेंट्स कैसे होता है, हाउ टू रिमेंबर? देखो ये आपका लेंथ है, अब ये आपका ब्रेथ है, अब हाइट कैसे आता है वो देख लीजिए। क्यूबॉइड बनता कैसे? सपोज ये मेरा रेक्टेंगल है, मैंने और एक रेक्टेंगल रख दिया, मैंने और एक रेक्टेंगल रख दिया उसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा? लेंथ एंड ब्रेथ उसका सेम रहेगा, लेकिन ये क्या बढ़ गया स्टूडेंट्स? ये क्या आया? ये आपका हो गया हाइट। क्लियर एवरीवन दिस? तो यहां पर पिक्चर में क्या आएगा स्टूडेंट्स? हाइट आएगा। तो ये सपोज मैंने इसको पकड़ लिया, अरे सॉरी 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 सॉरी, इसको मैंने पकड़ लिया हाइट। तो अब देखो ये, तो यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? यहां पर तीन चीजें हो गई, एल बी एंड एच हो गया। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो पहले क्या लिखो, पहले टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे? पहले लिखो एल बी प्लस करो, फिर लिखो बी एच प्लस करो, फिर लिखो एच एल, सबको लेना है, और उसको ब्रैकेट में डाल के बाहर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। राइट डाउन दिस। तो क्या हो जाएगा? एल बी बी एच एच एल, तीनों का एडिशन करो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। ये आपका होगा स्टूडेंट टोटल सरफेस एरिया।
क्लियर दिस एवरीवन? यस। अब मैं इसका पेरीमीटर निकालता हूं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर क्या होगा, देखो एज आई सेड सम ऑफ ऑल साइड्स, तो देखो लेंथ प्लस लेंथ, ब्रेथ प्लस ब्रेथ। क्लियर एवरीवन? सो हाउ मेनी लेंथ्स वी हैव, टू लेंथ्स प्लस टू ब्रेथ्स, टू विल बी कॉमन इनसाइड लेंथ प्लस ब्रेथ्स। ये क्लियर हो गया? अगर आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पता है विच इज वॉट, टू इनसाइड लेंथ प्लस ब्रेथ, तो यू कैन इजिली फाइंड लैटरल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या फॉर्मूला है लैटरल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड? राइट डाउन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लस सॉरी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल इनटू हाइट। क्लियर एवरीवन दिस? सो व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? अभी हमने फाइंड किया क्या है, टू लेंथ प्लस ब्रेथ और इनटू हाइट। हाइट इज व्हाट, एच। राइट डाउन दिस। Clear this everyone? And what is volume? Volume kya hoga students? What is volume going to be? Tino sides ka multiplication. Length into breadth into height. Write down this. Okay, to aapko ek cheez samajh mein aayi rahegi. Ye aapka hai 2D aur ye aapka hai 3D. So whenever 3D pe agar kuch question aata hai to aapko do cheeze puchenge. Ek total surface area या लैटरल सरफेस एरिया या वॉल्यूम। तो यहाँ पर तीन फॉर्मूलेज होते हैं और एरिया पे आपको पूछे, अगर 2D पे पूछेंगे तो आइदर दे विल आस्क यू टू फाइंड एरिया और मे बी ए पेरीमीटर। क्लियर एवरीवन दिस? सो सॉलिड पार्ट जो है, जो 3D वाला पार्ट है, वो हमेशा तीन पार्ट में डिवाइड होता है, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। ये हमेशा ध्यान में रख लीजिए। तो जब भी एरिया पे क्वेश्चन होगा, सपोज यहाँ पर ये मीटर में है, इसका यूनिट मीटर है, इसका भी मीटर है और ये भी मीटर है, तो एरिया पे जो भी क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर होगा मीटर स्क्वायर। ये भी मीटर स्क्वायर, लेकिन वॉल्यूम होगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, मीटर क्यूब। ये हमेशा ध्यान में रख लीजिए। ये लिख लिया आप लोगों ने, यहां तक क्लियर हो गया? Is this clear everyone? Okay, next see, यहाँ पर अभी आप लोग सेम जैसे हमने स्क्वायर में देखो डायगोनल निकाला था, सपोज यहाँ पर ये मेरा रेक्टेंगल है, प्लीज पे अटेंशन। आपको पता है क्वाड्रेंट के सारे एंगल्स 360 डिग्री होते हैं, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 हो गया। सपोज ये ए बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। क्लियर एवरीवन? अब मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, अब देखो क्वेश्चंस क्या होगा स्टूडेंट्स, सेम, अब ये तो एल है और ये तो ब्रेथ है और हमें एसी निकालना, एसी मतलब मेरा हो गया डायगोनल, तो मेरा फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, डायगोनल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रेथ स्क्वायर, इट इज नथिंग बट व्हाट, डायगोनल स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर to find out diagonal when it comes to what, rectangle. Clear everyone? तो ये हो गया आपका diagonal. तो what is d value? D is which is equal to root में आ जाएगा l square plus b square. Because यहाँ पर length and breadth both are different units. In earlier scenario there was a square. Square having what, all sides are equal. तो हमने क्या किया था, a square plus a square बन गया था 2a square. So while taking square root from both the sides, d becomes root 2a,
बट यहाँ पर एल एंड ब्रेथ बोथ आर डिफरेंट है, तो दोनों का वैल्यू भी अलग अलग रहेगा स्टूडेंट्स। ये क्लियर हो गया आपको? तो अगर आपको कोई रेक्टेंगल का डायग्राम निकालने कहते हैं तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर एवरीवन? ये लिख लिया स्टूडेंट? यस कर दो। चलो अब इस पे क्यूबॉइड पे आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन में आपको समझा रहे तो कैसे हो सकता है, तो इसको मिटा देता हूं मैं। देखो आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है कि द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस इन अ रूम ऑफ अ डायमेंशन। देखो अब अगर ये सपोज इस पे क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, अगर एक क्वेश्चन पूछते हैं, वन लिख लो, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड in a room of dimensions ten meter into ten meter into five meter is। देखो अब फ्रेंड्स ये ध्यान में रखना है, the length of the longest rod that can be placed in a room of dimension। देखो dimension students यहाँ पर तीन है, एक 10 मीटर, दूसरा 10 मीटर, तीसरा 5 मीटर, मतलब ये क्या होगा, डेफिनेटली क्यूबॉइड होगा। अब और देखो तीनों के डायमेंशन, ये क्यूब क्यों नहीं होगा, बिकॉज क्यूब के सारे डायमेंशन सेम रहेंगे, तो यहाँ पर तीनों के डायमेंशन अलग अलग है, इट मींस ये क्या हो सकता है, देखो ये आपका हो जाएगा लेंथ, ये आपका होगा ब्रेथ और ये आपका हो जाएगा हाइट। क्लियर एवरीवन? तो ये डेफिनेटली कौन हो जाएगा, क्यूबॉइड। अब देखो अब क्वेश्चन क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू, क्यूबॉइड का ही क्वेश्चन है, मैं आपको फिर से डायग्राम निकाल के बता देता हूं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब ये सपोज आपका क्यूबॉइड है, करेक्ट, क्लियर एवरीवन? हमें क्या फाइंड करना है, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम ऑफ डायमेंशन। एक डायमेंशन का रूम है और हमें यह देखना है कि लॉन्गेस्ट रॉड कहां पर बैठेगा। अब आपको यह पता होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट रॉड जो होता है, ओके, वो होता है नथिंग बट डायगनल। लॉन्गेस्ट रॉड जो रहेगा वो रहेगा क्यूबॉइड का डायगनल। यस, अब वो कैसे रहेगा, देखो सपोज मैंने लॉन्गेस्ट कहां से हो सकता है, सपोज ये डिस्टेंस से मैंने लिया, yes, ये डिस्टेंस, ये हो गया लॉन्गेस्ट रॉड और वो हमें एक्चुअली फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करोगे वो लॉन्गेस्ट रॉड, तो ये लिख लीजिए लेंथ ऑफ द डायगोनल और आप क्या कह सकते हैं, और लॉन्गेस्ट रॉड विच इज इक्वल टू अंडर रूट। आपको रेक्टेंगल का पता है क्या फॉर्मूला है डायगोनल के लिए, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहां पर तो ये डायमेंशन तीन है, तो ये हाइट है, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर, बस इतना ही ध्यान में रखना है। राइट डाउन दिस, तो ये कितना हो जाएगा, व्हाट इज एल स्क्वायर, टेन का स्क्वायर होगा हंड्रेड, बी भी हंड्रेड, टेन है उसका भी हंड्रेड हो गया और हाइट है फाइव उसका हो गया 25, इसको डाल दो इसमें तो ये हो जाएगा 225, डाल दो इसमें तो ये फाइनल क्या आया स्टूडेंट्स, 15 मीटर। राइट डाउन, क्लियर? तो देखो
लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड, मतलब आपका जो डायमेंशन दिया हुआ है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, उससे ज्यादा आपका इसका डायमेंशन आना चाहिए, और वो आया है 15 मीटर, तो आपका आंसर सही है क्योंकि वो सबसे लॉन्गेस्ट है। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके नेक्स्ट सी आप स्टूडेंट देख लीजिए सिलेंडर, या उसके पहले अगर हमें देखना है, चलो लेट अस सी सिलेंडर देखते हैं। सिलेंडर सिलेंडर देख लीजिए स्टूडेंट, ऐसा होता है और ये आपका है रेडियस और ये आपका हो गया हाइट। क्लियर? दिस इज रेडियस, दिस इज आपका हाइट हो गया। पहले एक चीज ध्यान में रख लीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, प्लीज पे अटेंशन। एक होगा टोटल सरफेस एरिया, मैंने आपको बताया था, और एक होगा वॉल्यूम। यस, इन तीनों का हमें फाइंड करना है। जस्ट मोमेंट स्टूडेंट, जस्ट गिव मी मोमेंट। ओके नाउ स्टूडेंट्स पे अटेंशन, व्हाट डू मीन बाय कर्व सरफेस एरिया?
सी कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, उसके लिए मैं आपको पहले एक समझा रहता हूँ कि कर्व सरफेस एरिया मतलब कैसे होता है। आप लोगों ने आपके घर का सिलेंडर देखा रहेगा जो गोल होता है, राइट। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब स्टूडेंट्स ये होता है, ये आउटर एरिया देखो, ये वाला बाहर वाला पार्ट आउटर एरिया, जो ये एक्चुअली सर्कल के फॉर्म में होता है, यस और नो। तो पहले कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए पहले आपको सर्कल पता होना चाहिए। सपोज ये सर्कल है, ये आपका सेंटर पॉइंट है, ये आपका हो गया रेडियस, क्लियर। तो आपको इसका ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो पहले मैं आपको ये दिखा रहता हूँ एरिया ऑफ सर्कल क्या है, एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, इसको भी लिख लीजिए। और पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल पीओ मतलब क्या है, ओ को छोटा करो पी को बड़ा करो, दैट इज व्हाट पी मतलब पेरीमीटर। तो यहां पर देखो पेरीमीटर सर्कल के लिए पेरीमीटर नहीं होता, बिकॉज पेरीमीटर कब आप यूज करते हो, जब वहां पर साइड होगा। तो सर्कल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सर्कमफेरेंस। Circumference of circle, clear? C stand for what? Circumference. क्या formula है? Spelling क्या है? Circumference. Circumference means what students? One round. Circumference of circle क्या formula है? 2πr. ये ध्यान रख लीजिए। Okay. अब देखो, अब ये formula बनते कैसा है? देखो, अब कर्व सरफेस एरिया क्या रहेगा, मैंने बोला था आउटर पार्ट। अब जब सर्कल पे स्टूडेंट सर्कल रखोगे, सर्कल पे सर्कल रखोगे तो देखो ये आपका बन जाएगा हाइट। तो यहां पर कर्व सरफेस एरिया कैसे याद रखोगे, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इनटू हाइट। क्लियर दिस एवरीवन? तो सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल क्या हो गया, 2πr, और हाइट हो गया h. इज दिस क्लियर एवरीवन? तो इससे मिलेगा आपको कर्व सरफेस एरिया, यस। अब टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया मतलब आपको कर्व सरफेस एरिया तो पकड़ना ही है, मतलब जो आपने निकाला है कर्व सरफेस प्लस टॉप एंड बॉटम। तो टॉप कौन, देखो टॉप कौन है, सर्कल है, और बॉटम भी कौन है, सर्कल है, मतलब यहां पर दो सर्कल हो गए। तो मैं 2 लिख देता हूं और इनटू लिख देता हूं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि वो सर्कल के फॉर्म में है। तो फाइनली क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या है, 2πrh प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। इज दिस क्लियर एवरीवन? बिकॉज एरिया ऑफ सर्कल क्या है स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर है। तो अब देखो कॉमन कौन कौन आएगा स्टूडेंट्स, 2πr बाहर आ जाएगा, 2πr बाहर आ गया, अंदर बचा h प्लस r। राइट डाउन दिस, एंड हाउ डू यू रिमेम्बर वॉल्यूम, कैसे याद रखोगे, देखो वेरी इजी टू रिमेम्बर। वॉल्यूम के लिए आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ सर्कल, और इनटू आपको होगा हाइट। तो व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर, और इनटू मतलब पाई आर स्क्वायर एच, और ये 2π। राइट डाउन दिस, रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूला ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल्स इनटू हाइट, दैट इज 2πrh। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, प्लस एरिया ऑफ सर्कल, लेकिन यहां पर ऊपर और नीचे दो सर्कल है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, सो दैट विल बिकम व्हाट, 2πrh प्लस r। एंड वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल इनटू हाइट, एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर, और हाइट h हो जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? सिलेंडर का क्लियर हो गया सबको? लिख लिया रहेगा तो यस कर दो, अदरवाइज आई विल वेट।
ओके ग्रेट। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ नेक्स्ट होगा स्टूडेंट्स कोन। कोन कोन तो सबको पता है ऐसे होता है, क्लियर एवरीवन। ये आपका कोन का बेस क्या होगा, सर्कल फॉर्म में है, और ये आपका हो गया हाइट, दिस इज हाइट, दिस इज रेडियस, और इसको कहते हैं एल, एल का कहते हैं स्लैंट हाइट, जो टेढ़ा होता है, स्लैंट हाइट। एल एल मतलब क्या होता है, थोड़ा सा तिरकस, टेढ़ा, क्लियर एवरीवन दिस। तो ये आप क्या हो गया कोन, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व, और उसको उसी उसी को ही लैटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, यहां पर हो जाएगा देखो पाई आर एल, इसको याद रख लीजिए पाई आर एल, जहां पर पाई का वैल्यू आप क्या ले सकते हो, 22/7 या 3.14 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो क्या फॉर्मूला है, कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही प्लस एरिया ऑफ बॉटम। अब एरिया ऑफ बॉटम में क्या है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ बॉटम की जगह मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ बेस। अब मुझे बताएं एरिया ऑफ बेस कौन से फॉर्म में, सर्कल है, तो आप सबको पता है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल है प्लस एरिया ऑफ बेस मतलब एरिया ऑफ क्या होगा, सर्कल, तो क्या फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, जिसमें से कॉमन क्या आएगा पाई आर, अंदर क्या बचा एल प्लस आर। राइट डाउन दिस, इज दिस क्लियर एवरीवन। यस, अब कोन का अगर आपको वॉल्यूम याद रखना है, वॉल्यूम, तो आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर स्टूडेंट्स, और उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है 1/3, बस ये ध्यान में रख लीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, 1/3 वॉल्यूम ऑफ, ये वॉल्यूम हो गया कोन का, वॉल्यूम सिलेंडर क्या है पाई आर स्क्वायर एच, अभी हमने देखा था। राइट डाउन दिस, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर पता चल गया, पता है, तो आप वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल सकते हो, खाली उसको आपको मल्टीप्लाई बाय 1/3 कर देना है। और ये 1/3 कैसे आया वो भी मैं आपको समझा देता हूं। कैसे आता है 1/3, ये आपका सपोज अगर ये आपका स्टूडेंट सिलेंडर है, क्लियर, ये आपका सेंटर पॉइंट है, आप यहां पर पहुंचे और यहां पर पहुंचे, तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने सिलेंडर में मैंने कोन को प्लेस कर दिया, यस और नो। तो जब मैं सिलेंडर में कोन को प्लेस करता हूं तो कितने पार्ट्स कवर करता है ये देखो, मेरा कोन वाला पार्ट तो एक ही है, ये वाला, राइट, लेकिन वो एक पार्ट सिलेंडर के कितने पार्ट्स को डिवाइड करता है, ये एक पहला पार्ट, एक दूसरा पार्ट और एक तीसरा पार्ट, क्लियर एवरीवन। यस, तो सिलेंडर का थर्ड पार्ट, सिलेंडर को आप तीन थ्री से डिवाइड करोगे, या सिलेंडर का 1/3 पार्ट विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्लियर हो गया आप लोगों को। तो जब सिलेंडर को आप जब सिलेंडर में आप जब कोन को फिट करोगे तो दैट सिलेंडर विल डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स, और जिसमें से हमारा एक पार्ट रहेगा कौन सा, वॉल्यूम का। तो व्हाट इज द फॉर्मूला बिकम्स, 1/3 ऑफ सिलेंडर विच इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ कोन। होप दिस क्लियर एवरीवन।
चलो ग्रेट, यस, ये लिख लिया आप लोगों ने स्टूडेंट्स। चलो डन, ओके, थैंक यू सो मच। नाउ राइट डाउन स्टूडेंट्स, स्पीयर, स्पीयर, स्पीयर में दो पार्ट, एक स्पीयर होता है और एक, लेट मी एक्सप्लेन, मैं यहां पर लिखता हूं, एक स्पीयर होगा और एक होता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब स्टूडेंट्स आधा होगा, तो स्पीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? जैसे 4πr² टोटल सरफेस एरिया, मतलब एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, और हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? यस, मुझे कौन बताएगा हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? एनीवन हु कैन टेल मी? नहीं नहीं जितिशा, देखो आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दे। देखो आप लोगों ने ये इजी कर लिया कि हेमिस, अगर स्पीयर 4πr² है तो हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, उसको डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2πr², बट इतना इजी नहीं है। और ये नहीं है एक्चुअली, क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू। सी ये जो व्हेन इट कम्स टू स्पीयर, तो मैंने पहले ही बोला था स्पीयर मतलब वो भरा हुआ होता है। तो लेट अस सी, सपोज ये मेरा, यहां पर मैंने कहा ये मेरा हेमिस्फीयर है, राइट, ये मेरा हेमिस्फीयर है, ऐसा है, और ये उसका ऊपर का सिर्फ ऐसा रहेगा, यस और नो? तो ये मुझे बताइए कौन सा आपको, देखो अगर आप लोगों ने कलिंगड़ को, वाटरमेलन को, यस योगेश, आप लोगों ने वाटरमेलन को अगर बीच में से कट कर दिया, वाटरमेलन तो अंदर से भरा हुआ होता है, तो आपको कट करोगे तो जो कटा हुआ पोर्शन रहेगा वो सर्कल फॉर्म में रहेगा कि नहीं, जो बीच वाला सेक्शन, क्योंकि भरा हुआ है। Yes, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हो गया कि आपने टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का 2πr² मतलब ये वाला निकाला, ये वाला पार्ट आधा वाला, तो ये भी तो सर्कल वाला पार्ट है ना, तो ये भी इसमें ऐड होगा प्लस पाई आर स्क्वायर, टोटल कितना हो गया स्टूडेंट्स 3πr². अब क्लियर हो गया सबको? इज दिस क्लियर एवरीवन? इसे ध्यान में रख लीजिए, बहुत सिंपल है। यस, टोटल सरफेस एरिया हो गया 3πr². और एक चीज ध्यान में रखना है, टोटल सरफेस एरिया ही, देखो यहां पर टोटल सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया दोनों यहां पर सेम होता है, तो ये 4πr² ही क्या होता है स्पीयर में, लैटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, ये ध्यान में रख लीजिए। और जब ये यहां पर होता है लैटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, तो ये 2πr² होगा, क्योंकि तो ऊपर वाला पोर्शन दिखता नहीं है जब साइड से देखते हो तो। क्लियर एवरीवन? देन यहां पर वॉल्यूम लिखो, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा 4π3πr³ हो जाएगा बस, क्योंकि तो वॉल्यूम होगा तो क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां पर वॉल्यूम क्या होगा, पूरा पता है 4π3πr³,
और उसको मल्टीप्लाई बाय करो हाफ, तो ये हो जाएगा 2/3 πr. राइट डाउन दिस. Is this clear? Okay, next. Chalo. Now write down. Right pyramid. पिरामिड डिपेंड्स होता है सर, उसके बेस किसके फॉर्म में है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, हेक्सागोन है, वैसे उसका फॉर्मूला चेंज होगा. अभी देखो यहाँ पर ये स्क्वायर फॉर्म में है, इसको पिरामिड बना दो. ये आपका होगा स्टूडेंट्स पिरामिड. ओके, अब इसका बेस देखो कौन से फॉर्म में है, ये स्क्वायर फॉर्म में, तो कभी कोई रेक्टेंगल में रहेगा, कभी कोई ट्रायंगल फॉर्म में रहेगा. अकॉर्डिंग टू दैट योर फॉर्मूला विल कीप चेंजिंग. तो पहले ये देख लीजिए लैटरल सरफेस एरिया, और उसको हम लोग दूसरा कर्व सरफेस एरिया. क्या हो सकता है, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस. मैंने यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ बेस क्यों बोला है, एज आई सेड कि बेस कीप ऑन चेंजिंग. अब यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर का फॉर्मूला होगा पेरीमीटर का, अगर यहाँ पर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का होगा. इनटू हाइट, प्लीज राइट डाउन दिस. इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टी एस है, तो सबको पता है कर्व सरफेस एरिया तो उसमें आएगा ही, प्लस एरिया ऑफ द बेस. एरिया ऑफ द बेस क्लियर, एरिया ऑफ द बेस क्या है स्टूडेंट, स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या होगा साइड स्क्वायर. अगर एरिया ऑफ द बेस अगर रेक्टेंगल रहेगा तो लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा. वॉल्यूम वॉल्यूम होगा 1/3 इनटू एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट. राइट डाउन दिस. तो ये हो गया राइट पिरामिड का. पिरामिड पिरामिड पे अगर क्वेश्चन आया तो यू शुड नो, सो पर्टिकुलरली फॉर दैट रीजन आई हैव गिवन यू. ये लिख लिया आप लोगों ने स्टूडेंट, इट्स डन. थैंक यू सो मच. No, write down right prism.
ये हम लोग फिजिक्स में यूज होता था, राइट प्रिज्म। राइट प्रिज्म का फॉर्मूला लैटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, पेरीमीटर ऑफ बेस, अगेन इसका बेस चेंज होता है, इनटू हाइट, ऊपर में खाली मल्टीप्लाई बाय हाफ था। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? ऑब्वियसली कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, प्लस एरिया ऑफ द एंड सरफेस टू तो यहां पर अगर सपोज अगर दोनों तो सपोज अगर यहां पर अगर मैंने ट्रायंगल ले लिया सपोज, तो स्टूडेंट्स ये आपका हो जाता है प्रिज्म। आप इसको ऐसे ज्वाइन भी कर सकते हो, यस दिस इज, ये बिकम्स प्रिज्म। तो प्रिज्म का कैसा रहेगा स्टूडेंट, लेट मी टेल यू। उसका ऊपर वाला जो सपोज अगर यहां पर सपोज ये एक दो समझे हमने ऐसा दे दिया, राइट, यस, ये आपका हो गया प्रिज्म। तो ऊपर का सर्कल क्या है? स्क्वायर, नीचे का भी स्क्वायर होगा, और ये आप इसको एंड में ज्वाइन भी कर सकते हो, यहां से एंड यहां तक जाएगा। क्लियर एवरीवन? दिस इज कॉल्ड प्रिज्म। सो इसीलिए देखो एरिया ऑफ द एंड सरफेस मतलब ऊपर और नीचे वाला, टॉप एंड बॉटम वाला पकड़ा है, तो आपको किसी एक का निकालो और मल्टीप्लाई बाय टू करो, क्योंकि आपको दोनों का एंड मतलब दोनों का एंड पकड़ना है। क्लियर एवरीवन दिस? बट इट डिपेंड्स ऑन क्या सरफेस है, वो ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, दैट यू हैव टू डिसाइड, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू पुट द फॉर्मूला। एंड वॉल्यूम क्या होगा? एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। राइट डाउन दिस। Is this clear, everyone? It's done. Great. Now, area of parallelogram क्या होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में व्हाट डू मीन बाय पैरेललोग्राम? वेयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सपोज ये आपका डायग्राम है, यहां से हाइट आया, यहां पर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा, और इसको हम लोग कहेंगे हाइट। क्लियर एवरीवन? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में
क्या होगा, एरिया ऑफ पैलोग्राम बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, एंड पेरीमीटर क्या होगा, मैंने क्या बोला था, व्हाट डू मीन बाय पेरीमीटर, एडिशन ऑफ ऑल साइड्स। तो यहां पर क्या होगा, दो बार ए है और दो बार बी है, तो दो कॉमन आए, अंदर बचा ए प्लस बी। राइट डाउन दिस, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मतलब विच इज नथिंग बट व्हाट, सिमिलर टू रेक्टेंगल। और एक लिख लीजिए ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड का मतलब होता है पतंग के फॉर्म में भी यू कैन राइट, और ट्रेपेजॉइड मतलब यहां पर नन ऑफ द साइड्स आर इक्वल, पैरेलल है बट कोई भी साइड्स यहां पर इक्वल नहीं होता, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड में देखो ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, क्लियर दिस एवरीवन। और यहां से दो हाइट है, और ये दोनों हाइट कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे, इसको हम लोग कह सकते हैं हाइट, क्लियर। ये आपका है सी, ये आपका हो गया ए, ये आपका बी, और ये आपका हो गया डी, कोई भी साइड यहाँ पर इक्वल नहीं होता है। इसमें अगर आपको एरिया निकालना है, वन मिनट, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड हाफ सम ऑफ पैरेलल, ये लाइन का मतलब क्या होता है, पैरेलल, पैरेलल साइड्स, पैरेलल लाइंस इनटू हाइट, सो हाफ इनटू व्हाट इज सम ऑफ पैरेलल, ये दोनों देखो पैरेलल चल रहे हैं, आगे सेम चलेंगे, तो ये होगा ए प्लस सी और इनटू एच, ये लिख दो। और इसका पेरीमीटर स्टूडेंट्स क्या होगा, यहां पर लिख दो, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑल साइड, सो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये हो गया पेरीमीटर। राइट डाउन, इट्स डन, सम ऑफ 11 साइड्स नहीं, इसको क्या कहते हैं, पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है। और ट्रेपेजॉइड का दूसरा नाम क्या है, ट्रेपेजियम, प्लीज रिमेंबर दैट। क्लियर एवरीवन दिस, चलो टेक एंड राइट डाउन तीसरा वाला रोम्बस। इस रोम्बस को हम लोग कह सकते हैं कि इसका पतंग जैसा शेप होता है, रोम्बस, रोम्बस देखो ऐसे होता है, क्लियर। यहां से एक डायगोनल जाता है यहां, तो जिसको हम लोग नाम दे रहे डी वन, और एक डायगोनल यहां से जाता है जिसको हम नाम दे रहे डी टू, क्लियर एवरीवन। और इसमें भी सेम होता है, कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है, ये होगा ए, ये होगा बी,
ये होगा सी और ये होगा डी। क्लियर? तो अगर इसका आपको एरिया निकालना है, एरिया क्या होगा इसका, एरिया विच इज इक्वल टू डी वन इंटू डी टू मल्टीप्लाई बाय हाफ, राइट डाउन। सो हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू, दैट इज नथिंग बट व्हाट, एरिया ऑफ रोम्बस। और इसका पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, राइट डाउन दिस। Wait a minute, friends. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग लेट मी जस्ट मेक करेक्शन, एक करेक्शन कर लो यहाँ पर। रोम्बस में यू कैन, वेट अ मिनट, ये जो साइड्स है, वेट अ मिनट, सॉरी, ये अगर ए है तो भी, बिकॉज ये सारे एंगल इसमें अंडर 90 डिग्री होते हैं, तो ये अगर आपका ए है तो ये भी ए, ए बी और ए बी ए होगा, तो पेरीमीटर क्या होगा, प्लीज मेक करेक्शन, 4 ए, चारों साइड्स का एडिशन पेरीमीटर वुड बी 4 ए। अगर अभी इसमें अगर आपको डायगोनल डी टू निकालना है, डी टू निकालना है तो क्या फॉर्मूला है, राइट डाउन, रूट में 4 ए स्क्वायर माइनस डी वन स्क्वायर, डी वन स्क्वायर। और आपको अगर डायगोनल डी वन निकालना है, 4 ए स्क्वायर माइनस डी टू स्क्वायर, राइट डाउन दिस। Is this clear? Okay, great. ये लिख लिया आप लोगों ने? Okay, great. चलो अब लिख लीजिए सर्कल। सर्कल से मैं आपको वॉल्यूम फिर से एक बार रिपीट करवा देता हूं। सर्कल सबको पता है, ये आपका सर्कल है, ये आपका सेंटर पॉइंट है, यहां से खींचा हमने, इसको कहते हैं हम लोग रेडियस, करेक्ट एवरीवन? ये हो गया रेडियस। और यहां से जो पूरा लाइन आया, सपोज ये आपका ओ है और ये आपका ए है, ये ओ, ये आपका पी और क्यू है, राइट? तो पी क्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पी क्यू हो जाएगा डायमीटर डी, और आपका
ओए क्या होगा, ओए ये होगा आपका रेडियस। यहां तो सबको क्लियर हो गया, तो आप लोगों को पता है कि एरिया ऑफ सर्कल मैंने क्या निकाला था, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो मुझे बताइए एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कौन बताएगा सबसे फास्ट? सीधा हाफ कर दो ना, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा स्टूडेंट, सीधा हाफ कर दो, मतलब हाफ इनटू पाई आर स्क्वायर। ये सबको क्लियर हो गया? यस, वेरी गुड। सपोज अगर मैंने आपको बताया था सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, कितना था फॉर्मूला, सर्कमफेरेंस फॉर्मूला क्या था, 2πRh, सर्कमफेरेंस 2πR था राइट, एच तो यहां पर हाइट होता ही नहीं है, 2πR था। यस, तो मुझे कौन बताएगा सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल कितना होगा, अगर पूरे का 2πR है तो आधे का कितना होगा सर्कमफेरेंस? एनीवन फ्रॉम यू? ओके, सिद्धि ने बोला पाई आर होगा, चलो वेरी गुड। तो कैसे होगा पाई आर, जो कि आपको पता है कि पूरे का 2πR है तो आधे का क्या होगा, डिवाइड बाय 2 करोगे तो पाई आर आएगा, लेकिन ये गलत है क्योंकि स्टूडेंट देखो मैं आपको यहां पर समझा लेता हूं। पहले ये देखो, ये सर्कल है और ये आपका डायमीटर है, यस और नो? तो सर्कमफेरेंस का पहले मीनिंग समझ लीजिए क्या होता है। यहां पर पॉइंट ए और यहां पर पॉइंट बी है, सपोज एक स्टूडेंट ए से निकल के बी तक आ रहा है, तो मुझे बताइए उसका एक सर्कमफेरेंस कंप्लीट हुआ क्या, उसने ए से स्टार्ट किया है और बी तक पहुंच गया है, नो। तो सर्कमफेरेंस योगेश कब कंप्लीट होगा, जब वो कहां पर पहुंचेगा, जब वो ए ए ए पर पहुंचेगा, टू एग्जैक्टली ए टू ए, वेरी गुड योगेश। तो वो ए टू ये आएगा तो उसका एक राउंड होगा और एक राउंड का मतलब होता है एक सर्कमफेरेंस। आप स्टूडेंट देख लीजिए, मतलब यहां पर ये आपको क्लियर हो गया कि पूनम यू वांट टू से समथिंग? नो सर। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके सी, यहां पर ये क्लियर हो गया कि सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होता है, कि आपने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया है उसी पॉइंट पे आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड वन प्रदक्षिणा कंप्लीट। लेकिन आप जब सेमी सर्कल पे आते हो, देखो अब मैं इसको ऊपर का पोर्शन को कट कर देता हूं, ये वाला सेक्शन को कट कर देता हूं, अब ये क्या हो गया स्टूडेंट, ये हो गया आपका सेमी सर्कल। तो आपने क्या किया कि सर पूरे का 2πR है, आधा सेशन चला गया तो मैं इसको डिवाइड बाय 2 करूंगा तो बचा ओनली पाई आर। लेकिन देखो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्या है, यहां पर उसने ए से स्टार्ट किया और वो बी तक आया, तो उसका आधा कंप्लीट हुआ कि नहीं, बोलो यस और नो? कंप्लीट हुआ आधा सेमी सर्कल? नहीं कंप्लीट हुआ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू योगेश ने क्या बोला था, अगर सर उसने ए से स्टार्ट किया तो उसको ए पे ही आना चाहिए, यस और नो योगेश? लेकिन सेमी सर्कल के हिसाब से क्या हो रहा है कि वो ए से जा रहा है और वो बी पे आके रुक रहा है, तो वो ए पे आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब जब अगर उसको ए पे आना है तो वो कैसे आएगा योगेश, अगर उसने ए से स्टार्ट किया और बी पे पहुंचा और उसको फिर बी से ए पे आना है तो क्या करेगा वो, ये इस रास्ते आएगा, और ये क्या है, ये है डायमीटर, मतलब आपका सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पाई आर प्लस डायमीटर। राइट डाउन दिस, क्लियर? यस, ये आपको समझ में आना चाहिए, दैट्स इट। सर्कमफेरेंस का मतलब होता है कि उसने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उस पॉइंट पे आना चाहिए। चलो, इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, मतलब शॉर्ट ट्रिक इन द कॉन्सेप्ट है, वो समझ लीजिए, बाकी कुछ नहीं है उसमें।
अब मैं आपको एरिया ऑफ सर्कल से सारे वॉल्यूम करवा देता हूं। ओके, हु विल टेल मी एरिया ऑफ सर्कल क्या है? क्या फॉर्मूला मैंने बताया था एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर। क्लियर एवरीवन? इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, अगर आपने इस फॉर्मूला को रिमेंबर कर लिया तो इससे आप सारे देखो, इससे आपको क्या क्या मिलेगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता चल जाएगा वेरी इजीली। फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता चल गया तो आपको वॉल्यूम ऑफ कोन पता चलेगा वेरी इजीली। अगर आपको कोन पता चल गया तो आपको पता चलेगा वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। क्लियर एवरीवन? और ये पता चले जाएगा तो आपको उससे पता चल जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, सारा पता चल जाएगा। चलो देखो कैसे करोगे। नाउ प्लीज पे अटेंशन, ये आपको याद रहेगा पाई आर स्क्वायर। एरिया आपको याद रखना, एरिया ऑफ सर्कल क्या है? पाई आर स्क्वायर। अब मुझे एरिया ऑफ सर्कल से अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा? पाई आर स्क्वायर में खाली हाइट मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिल गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर हो गया आप लोगों को ये? अब मुझे सिलेंडर से देखो, सर्कल से मुझे सिलेंडर मिला, अब मुझे सिलेंडर से कोण निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा? ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को लिख दूंगा और उसको मल्टीप्लाई बाय 1/3 कर दूंगा। बस हो गया आपको वॉल्यूम ऑफ कोण। क्लियर हो गया सबको ये? अब मुझे वो कौन से स्पीयर चाहिए तो मैं क्या करूंगा? कौन का फॉर्मूला पूरा लिख दूंगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पूरा लिख दिया मैंने। और अब मैं क्या करूंगा? इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? 4/3 पाई आर, ये जो आर स्क्वायर और ये एच है इसको मैं पकड़ूंगा रेडियस, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर और ये एच को मैंने क्या पकड़ा? रेडियस, तो ये हो गया पाई आर क्यूब। और मैं यहां पर लिख देता हूं एच इज इक्वल टू आर, पकड़ लो। क्लियर एवरीवन? ये बिकॉज स्पीयर में हाइट काउंट नहीं होता है तो हाइट को किसमें कन्वर्ट करना है? रेडियस में। तो आर स्क्वायर इंटू आर कितना होगा? आर क्यूब। इज दिस क्लियर? और वॉल्यूम हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? ये 4/3 आया है पाई आर क्यूब और उसको मल्टीप्लाई बाय हाफ कर दो तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। सबको क्लियर हो गया ये? लिख लो इसे। अगर ये इस तरीके से अगर वॉल्यूम आपको ध्यान में आ गया तो बाकी का आप तो कर्व सरफेस एरिया तो आराम से ध्यान में रख सकते हो।
Is this clear, everyone? Yes or no, student? हम इसको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं इसी को. चलो ये लिख लिया आप लोगों ने, यस कर दो, लिख लिया रहेगा तो. अब मैं इसको फिर से एक बार रिवाइज करता हूं, आप मुझे इसका आंसर फटाफट बता देना. चलो सपोज मेरे पास एरिया ऑफ सर्कल है, इफ आई हैव एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, राइट, तो मैंने ये पाई आर स्क्वायर को मैंने मल्टीप्लाई बाय एच किया, तो मुझे किसका वॉल्यूम मिलेगा स्टूडेंट बताइए फटाफट, मुझे किसका वॉल्यूम मिलेगा, किसका मिलेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वेरी गुड. अब मैंने पाई आर स्क्वायर एच को मैंने मल्टीप्लाई बाय 1/3 कर लिया, तो मुझे किसका वॉल्यूम मिलेगा फास्ट. वेरी गुड. फिर मैंने यही वॉल्यूम कोन को 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को मैंने मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, तो मुझे किसका वॉल्यूम मिलेगा, स्पीयर का. खाली यहां पर एच को आप किस में कन्वर्ट करोगे, ये एच को आप रेडियस में करोगे. यस, वेरी गुड वेरी गुड. और मैंने फिर ये 4/3 पाई आर क्यूब को मैंने फिर से हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे किसका वॉल्यूम मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. तो ये 2 × 2 = 4 होगा और ये मिला 2/3 पाई आर क्यूब. यस, क्लियर एवरीवन दिस. तो स्टूडेंट्स आज हमने सारे फॉर्मूले देखे हैं. ओके, नेक्स्ट सेशन जो अपना रहेगा सैटरडे संडे, जहां पर हम लोग इस पे सारे क्वेश्चंस करेंगे. टॉपिक बहुत बड़ा है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें आते हैं सीजीएल प्री और मेंस में, सो दैट विल बी कवर्ड इन कमिंग सैटरडे एंड संडे. एंड देन अपना एलसीएम एससीएफ के 2 सेशंस रहेंगे जो हमारे नेक्स्ट टू नेक्स्ट सैटरडे संडे रहेंगे. क्लियर एवरीवन? सो वी आर गोइंग इन डिटेल्स, वी आर गोइंग स्लो बाय स्लो, ताकि आपको सारी चीजें इजीली समझ में आए. होप दिस क्लियर एवरीवन. सो आपको सभी लोगों को आज का सेशन समझ में आया रहेगा.